सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी की हंसी खुशी का माहौल उस समय गम में बदल गया जब दूल्हे के व्हाट्सएप पर आई कुछ तस्वीरों और वीडियो को देखने के बाद दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया और बारात लेकर वापस लौट गया। पूरे मामले की बात करें तो 29 मई की शाम दूल्हा बारातियों संग गाँव में पहुंचा, जहां वरमाला की तैयारी चल रही थी। दूल्हे को एक युवक ने फोन कर कहा कि व्हाट्सएप चेक कर लो, वो मेरी है। इस बात को सुनकर दूल्हे ने व्हाट्सएप चेक किया, जिसमें होने वाली दुल्हन की तस्वीरें व वीडियो एक युवक के साथ थी, जिसके बाद दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया और बारात लेकर वापस लौट गया। इसके बाद दुल्हन के पिता की तहरीर पर तस्वीरें भेजने वाले युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। कल दिनांक 30 मई 2023 को थाना शरदगढ़ पर एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें प्रार्थी ने बताया कि 29 मई को उसकी बेटी की शादी थाना शरदगढ़ के अंतर्गत एक गांव में तय थी। शादी में वरमाला के दौरान दूल्हे के मोबाइल पर किसी व्यक्ति ने होने वाली दुल्हन का फोटो और वीडियो वायरल कर दिया, जिसके कारण लड़का पक्ष ने शादी करने से इनकार कर दिया। इस कारण प्रार्थी ने बताया अपनी तहरीर में ये लिख के दिया कि इस कारण से लड़की पक्ष को काफी नुकसान हुआ है, जिसके चलते थाना शोहरतगढ़ पर मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 66E ITA व 509 IPC के तहत मुकदमा 30 मई को दर्ज किया गया है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।